और छत्तीसगढ़ की चुनावी खबरों पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। रायपुर से सबसे पहली बड़ी जानकारी, आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट सामने आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट में अपने 12 उम्मीदवारों के नामों को शेयर किया है। रायपुर उत्तर से विजय गुरु बक्षणी का नाम शामिल है, जिसमें आरंग से परमानंद जांगड़े लड़ रहे हैं चुनाव। बिंद्रा नवागढ़ भागीरथ मांझी चुनावी मैदान में, रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया है, कलारी से नीलम ध्रुव चुनावी मैदान में, साथ ही साथ बलौदाबाजार संतोष यदु का नाम सामने आया। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से सूची जो सामने आई है उसके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। जरूरी इन नामों को समझना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। 12 उम्मीदवारों के नाम अंतिम सूची में, चौथी सूची में। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर दाव खेला जा रहा है इस बार छत्तीसगढ़ के रण में, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फायदा इस पार्टी को हो, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान की अटकलें भी। आम आदमी पार्टी की तरफ से चौथी सूची, कुछ महत्वपूर्ण नाम इसमें शामिल। हो सकता है कि जनसंपर्क अगर साधा जाए उनकी तरफ से, तो अपना आधार मजबूत करने की कोशिश उनकी तरफ से भी निरंतर चलती आ रही है। आने वाले समय में कितना प्रभाव इसका पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले चौथी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम है। कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन कौन से नाम सामने आए हैं ये भी आप देखिए। बीजेपी और कांग्रेस में हालांकि मुख्य मुकाबला, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में, तो ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी जब आप देखेंगे तो एक नई पार्टी के तौर पर उभरती हुई आम आदमी पार्टी राज्यों में नजर आई है। दिल्ली में अच्छा खासा प्रभाव, पंजाब में भी अब प्रभाव बिखेरा है, हिमाचल के चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसकी अटकलें थीं, और अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दोनों ही जगहों पर प्रभाव कहीं ना कहीं नजर आने वाला है, ऐसी उम्मीदें जाहिर की जा रही है। और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। अंतिम सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव को टिकट मिला है।